वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट बट जॉइंट। अब ये हमारा बट जॉइंट क्या होता है कि जैसे मैंने मान लिया कि ये हमारी दो प्लेट्स हैं, ये हमारी दो प्लेट्स हैं, तो अब इनको हमें जॉइंट करना है। तो जब इन दो प्लेट्स को जॉइंट करना है तो एक प्लेट ये है हमारी प्लेट नंबर वन, प्लेट नंबर टू। अब इन दोनों प्लेटों को हमें जॉइंट करना है तो इसके ऊपर हम एक कवर प्लेट लगा के ही तो जॉइंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पतंग देखी होगी तो पतंग में बीच वाली जो स्टेप होती है जब वो ब्रेक हो जाती है तो उसको आप क्या कहते हो कि एक अलग से स्ट्रिप लगा के, या तो सिंगल स्ट्रिप लगाते हो या डबल स्ट्रिप दोनों तरफ से लगा के आप क्या कहते हो धागे के थ्रू बांध देते हो। तो जब धागे के थ्रू बांध देते हो तो आपकी ये जो मेन स्ट्रेप है तो वो क्या होती है, जॉइंट हो जाती है। तो उसी तरह हमारा बट जॉइंट भी है। तो बट जॉइंट में मैंने मान लिया प्लेट नंबर वन, प्लेट नंबर टू, तो अब ये दो प्लेटें हैं, अब दोनों प्लेटों को हमें क्या करना है, जॉइंट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सिंगल कवर प्लेट लगा दिया। सिंगल प्लेट कवर लगाने के बाद यहाँ पर हमने एक जिविट लगा दिया और इधर एक जिविट लगा दिया। तो अब जिविट लगा दिया तो हमारा क्या है, ये स्ट्रिप हमारी, ये जो हमारी प्लेट है ये जॉइंट हो गई है। तो यही हमारा बट जॉइंट, इसी को हिंदी में बोलते हैं टक्कर जोड़। तो अब देखते हैं कि देयर टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट, देयर आर टू टाइप्स। तो अब इस पर क्या है, सिंगल कवर प्लेट है। तो सिंगल कवर प्लेट है तो मैंने यहाँ पर सिंगल कवर प्लेट से शो कराया है कि ये हमारी मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है, मेन प्लेट वन, मेन प्लेट टू, ये हमारी मेन प्लेट वन है, ये हमारी मेन प्लेट टू है। तो अब हमें इस पर क्या करना है कि यहाँ से ये ब्रेक है, यहाँ से ये प्लेट हमारी दो भागों में डिवाइड है, तो अब इसको हमें ज्वाइंट करना है। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से प्लेट रख दी है। प्लेट रखने के बाद दो जिविट लगा दिए। प्लेट रखने के बाद हमने क्या किया है कि इस पर दो जिविट लगा दिए। तो जब दो जिविट लगा दिए तो इस समय इसमें हमने कौन सी प्लेट लगाई है, सिर्फ एक प्लेट लगाई। तो ये हमारी प्लेट कौन सी हो गई, सिंगल कवर प्लेट। तो अब ये सिंगल कवर प्लेट हो गई। तो अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स मेंशन होंगे, जब भी सिंगल कवर प्लेट की बात करोगे या क्वेश्चन में आपसे सिंगल प्लेट कवर की बात की जाएगी तब उसकी थिकनेस कितनी होगी, टीसी इक्वल टू 1.25 टी, जो आपको क्वेश्चन में टी या डी के फॉर्म पे आपको दिया गया होगा। या तो जिविट की आपको थिकनेस दी जाएगी क्वेश्चन पे, या तो जिविट का व्यास दिया जाएगा। तो जिविट का व्यास दिया जाएगा तो आप टी निकाल लोगे। फार्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो बता रहा हूँ, डी इक्वल टू 6√t। ये हमारा mm के फॉर्म में होता है, डी इक्वल टू 1.91√t, ये सेंटीमीटर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हमें टी का पता चल जाएगा और टी का जब पता चल जाएगा तो टी सी हमारा निकल आएगा सिंगल कवर प्लेट के लिए 1.25 टी होता है। बाकी सारा कुछ जो कुछ था लैप जॉइंट की तरह है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। तो अब इसमें क्या है कि लंबाई 1.6 डी, हेड की जो लंबाई होगी वो हमारे 1.6 डी होगी। हाइट इसकी कितनी होगी, एच इक्वल टू 0.7 डी। फिर इसके बाद मार्जिन भी लेंगे। तो इस पर क्या है कि ये जो नीचे वाली प्लेट है, जो मेन प्लेट है, इसकी लंबाई आप कुछ भी ले सकते हो। अब बात करते हैं डबल प्लेट, डबल कवर प्लेट की। तो अब डबल कवर प्लेट में क्या है, सेम काम वही है। तो अब इस पर हमने क्या किया कि ये हमारी मेन प्लेट वन है, मेन प्लेट वन, ये हमारी मेन प्लेट टू, ये हमारी मेन प्लेट वन है, ये हमारी मेन प्लेट टू है। तो अब इस पर हमने क्या किया कि ये जिविट हमारी आ रही, यहाँ से हमारी प्लेट क्या है, दो भागों में डिवाइड है। तो यहाँ से हमारी प्लेट जो है दो भागों में जब डिवाइड है तो अब इन प्लेटों को हमें क्या करना है कि जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए हमने क्या किया कि दो कवर प्लेट लगा दिए, एक कवर प्लेट ऊपर लगाई, दूसरी कवर प्लेट नीचे लगाई। तो अब इसमें थिकनेस क्या होगी, तो डबल कवर प्लेट में थिकनेस टी सी इक्वल टू 0.8 टी, ये हमारी थिकनेस होती है, टी सी इक्वल टू 0.8 टी, ये हमारी थिकनेस होती है जब डबल कवर प्लेट की बात करेगा। तो अब देखते हैं बट जॉइंट का दूसरा टाइप क्या होता है।
बी नंबर। तो अब बी नंबर की बात करते हैं, तो बी नंबर में क्या है, डबल रिवेटेड बट जॉइंट, डबल रिवेटेड बट जॉइंट। तो ये चार टाइप्स के होते हैं, डबल रिवेटेड चैन सिंगल स्टेप बट जॉइंट, डबल रिवेटेड जिगजैग डबल स्टेप बट जॉइंट, डबल रिवेटेड जिगजैग सिंगल स्टेप बट जॉइंट, डबल रिवेटेड चैन डबल स्टेप बट जॉइंट। अब इसके में जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, तब उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करेंगे बट जॉइंट के लिए, तो यूज पैरामीटर फॉर बट जॉइंट। तो डी हमें पता है, डी इक्वल टू 6√mm में होता है, या सेंटीमीटर में जब आपको थिकनेस दी जाएगी या डाया दिया जाएगा, तो डी इक्वल टू 1.91√t सेंटीमीटर। मार्जिन आपको पता है 1.5d, एच इक्वल टू 0.7d, ये हेड की हाइट होती है, यल इक्वल टू 1.6d, ये हेड की लंबाई होती है। फिर इसके बाद टी सी कवर प्लेट थिकनेस फॉर सिंगल कवर प्लेट के लिए क्या होगी, 1.25t। फॉर डबल कवर प्लेट के लिए कवर प्लेट की थिकनेस क्या होगी, 0.8t। फिर इसके बाद सेंट्रल पिच, सेंट्रल पिच केंद्रीय पिच पी सी आर इक्वल टू 1.5d प्लस 1.5d इक्वल टू 3d। जैसा कि मैंने यहाँ पर शो कराया है कि ये हमारा क्या, यहाँ से एक प्लेट इधर अलग है, ये दूसरी प्लेट है, तो यहाँ से हमारी इस रिवेट के सेंटर तक की दूरी कितनी है, मार्जिन के बराबर है 1.5d। फिर इस यहाँ से इधर का जो रिवेट लगा हुआ है राइट साइड में, तो राइट साइड के रिवेट के सेंटर तक दूरी कितनी है, मार्जिन के बराबर 1.5d। इसी को बोलते हैं सेंट्रल पिच, केंद्रीय पिच इसी को बोलते हैं PCR इक्वल टू 1.5d प्लस 1.5d इक्वल टू 3d इसी को बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि PB बैक पिच हमारी कितनी होगी, 2d प्लस 6mm फॉर चैन टाइप के लिए, PB इक्वल टू 2d फॉर जिगजैग टाइप के लिए, P इक्वल टू पिच हमारी क्या होगी, 3d होगी। ये हमारे किस में आएगी, पिच के लिए आएगी, जब हम रिवेट्स टॉप व्यू में बनाएंगे। अब देखते हैं कि कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है तो अब उसको भी देख लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व किया है। तो सॉल्व किया है तो हमने क्या किया, लेट टी इक्वल टू 9mm, तो डी इक्वल टू 6√t, डी इक्वल टू 6√9, डी इक्वल टू 18mm हमारा आ गया, मार्जिन हमारा 27mm आ गया, एम इक्वल टू 1.5d होता है, हाइट इसकी कितनी आ गई, 0.7d, एच इक्वल टू 12.6mm आ गया, यल क्या होता है, लेंथ ऑफ हेड 1.6d, 28.8mm आ गया, पी इक्वल टू 3d, यहाँ पे 18 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 54mm, बैक पिच कितनी आएगी, 2d प्लस 6 क्योंकि ये चैन टाइप है, 42mm। अब इसमें सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट की बात हुई है, तो TC इक्वल टू 1.25t, TC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11.25mm। फिर इसके बाद हमने बनाना स्टार्ट किया है, तो जब बनाना स्टार्ट किया है तो हमने कुछ इस तरह से बनाया है इसको, ये हमारी ये मेन प्लेट है, ये हमारी कवर प्लेट है, तो मेन प्लेट और कवर प्लेट है, तो मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है, 9mm, और कवर प्लेट की थिकनेस कितनी आई है, 11.25mm। अब इसके बाद सारा कुछ काम हमने वैसे ही किया है, सिर्फ यहाँ से हमने क्या किया, दो प्लेट्स को ज्वाइंट किया है, यहाँ से जब हमने दो प्लेट्स को ज्वाइंट किया है, तो यम इक्वल टू 1.5d, यम इक्वल टू 1.5d, इसी को बोलते हैं सेंट्रल पिच, PCR इक्वल टू 3d इक्वल टू 1.5d प्लस 1.5d। इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मार्जिन के बराबर, इस सेंटर से इस सेंटर तक के बीच की दूरी कितनी, मार्जिन के बराबर। अब इसके बाद ये हमारी मेन प्लेट बाहर दिखाई दे रही है, मेन प्लेट के बाद ये जो हमारी प्लेट है, तो ये कौन सी प्लेट है, ये हमारी कवर प्लेट है, तो कवर प्लेट में रिवेट लगा रहे हैं, तो ये रिवेट हमारे कितने, यहाँ से मार्जिन एम इक्वल टू 1.5d ड्राप किया, सर्कल बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, पी इक्वल टू 3d। फिर इसके बाद हमें पैक करना है, तो पैक करने के लिए हमने क्या किया, एम इक्वल टू 1.5d ले लिया। चलिए अब चलते हैं ड्राइंग शीट पर,
चलिए अब देखते हैं ड्राइंग शीट पे क्या होगा। ड्राइंग शीट पे हमें गिवन डेटा लिख लेते हैं, तो क्या है डी इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, डी इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, डी इक्वल टू 6√t होता है, टी इक्वल टू कितना है 9 mm, टी इक्वल टू 9 mm है, डी इक्वल टू 6√t है, तो डी कितना आ जाएगा हमारा 18 mm, यम कितना आएगा मार्जिन 27 mm, एच कितना आएगा हमारा 12.6 mm, एल कितना आएगा 28.8 mm, पी कितना आएगा पिच 54 mm, बैक पिच कितनी आएगी पी बी इक्वल टू 42 mm, टी सी कितना आएगा कवर प्लेट थिकनेस 11.25 mm, 11.25 mm। अब बात करते हैं कि ये तो हमारे पैरामीटर्स आ गए, सब कुछ आ चुका है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन हमने खींच ली, मैंने मान लिया कि ये 14 mm की लाइन है, तो इसको सेंटर से हमने क्या किया ब्रेक कर दिया, तो 7 mm पे सेंटर मिलेगा, 70 mm पे हमें सेंटर मिलेगा क्योंकि 140 mm की है, तो 140 mm की लाइन है तो हमें सेंटर कहाँ पर मिलेगा, सेंटर हमें मिलेगा 70 mm पे, तो 70 mm पे हमने क्या किया पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद अब इसकी हमें थिकनेस कितनी दी गई है, इसकी थिकनेस हमें मेन प्लेट की थिकनेस हमें 9 mm दी गई है, तो 9 mm दी गई है, तो मैंने इस तरह से यहाँ से इस तरह से मैंने नाइन एम एम की लाइन खींच ली। अब फिर इसी लाइन को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से मैंने एक लाइन और ड्रा कर दी। अब इसके बाद इसी लाइन को रेफरेंस लेते हुए हम एंड पॉइंट पे आए इस तरह से, और यहाँ से भी हमने एक लाइन लाइन ड्रा कर दी। अब इसके बाद यहीं से हमने क्या किया कि रेफरेंस पॉइंट से इस तरह से आए और इस तरह से हमने इस लाइन्स को डिवाइड कर दिया दो भागों में, एक प्लेट वन हो गई हमारी, एक प्लेट टू हो गई हमारी, एक प्लेट वन हो गई हमारी, एक प्लेट टू हो गई। तो अब बात करते हैं कि कैसे अब हमें बनाना है कि अब इसके ऊपर कवर प्लेट लगानी है, तो जब अब इसके ऊपर हमें कवर प्लेट लगानी है तो अब इसको कैसे करेंगे, तो कवर प्लेट से सेंटर की दूरी मैंने अभी आपको बताई थी कितनी है पिच के बराबर है, तो पिच हमारा कितना है 27 mm मार्जिन है हमारा, तो मार्जिन के बराबर की हमने दूरी ले ली। यहाँ पे मुझे मिला 27 mm, यहाँ पर मुझे 27 mm मिला और यहाँ पर 27, तो मार्जिन मैंने लिया है, तो यहाँ से मार्जिन हमें ड्रॉप करके कितना करना था, मार्जिन यम इक्वल टू 1.5D। फिर अब इस सेंटर से मार्जिन हम कितना लेते आए हैं, लेफ्ट जॉइंट में भी लिया था तो 1.5D का ही मार्जिन लिया था, तो मुझे पॉइंट्स क्या क्या मिले, एक पॉइंट से यहाँ मिला, एक पॉइंट से यहाँ मिला, सेम काम इधर भी कर लेंगे। इधर हमने 27 पे लगाया, फिर इसके बाद इधर से भी 27 पे लगाया क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन के बाद अब हमें क्या करना है कि इसकी थिकनेस हमें कितनी दी गई है, थिकनेस इसकी हमें 11 mm दी गई है, तो 11 mm पे हमने क्या किया इस तरह से हमने 11 mm पे 11.25 mm पे लाइन खींच दी। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया रेफरेंस लिया, इस लाइन से रेफरेंस लेने के बाद हमने एक लाइन ऊपर खींच दी जो हमारी कवर प्लेट की होगी लाइन, फिर इसके बाद इसी को रेफरेंस लेते हुए हम सीधे एंड पॉइंट पे आए और इस तरह से
एक लाइन को ड्रा कर दिया। तो ये हमारी बन गई क्या, ये हमारी है मेन प्लेट, ऊपर वाली है हमारी कवर प्लेट। तो अब कवर प्लेट तो हमने बना लिया, तो अब इसके बाद इस पर हमें क्या करना है कि रेफरेंस लाइन खींचनी है। तो वो रेफरेंस लाइन कौन सी होंगी, जहाँ से हमारा ज़िविट का सेंटर होगा। लंबी लाइन पॉइंट, 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 लंबी लाइन पॉइंट। इस तरह से हमें रेफरेंस लाइन दोनों रिविट्स के लिए ले लेनी है, क्योंकि हमें दो रिविट्स लगाने हैं इस पर और एक सिंगल कवर प्लेट केवल लगानी है। तो जो हमने सिंगल कवर प्लेट लगा दी है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ से हमें 80 डिग्री का एंगल शो कराना है। तो अब जब हमें 80 डिग्री का एंगल शो कराना है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे, इस पॉइंट में प्रोटेक्टर को रखेंगे और इस तरह से 80 mm के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रा कर देंगे, इस तरह से। फिर इस दूसरी तरफ से भी हमें 80 mm का मेजरमेंट करना है, दूसरी तरफ से भी हमें 80 डिग्री का मेजरमेंट करना है। 80 डिग्री के एंगल पे हमने लाइन खींच दी लेफ्ट में, अब राइट में करना है। तो राइट में भी हमें 80 mm पर, 80 डिग्री पर करना है। तो यहाँ पर मुझे 80 डिग्री मिला, तो 80 डिग्री जब यहाँ पर मिला तो मैंने इस कॉर्नर पॉइंट से इधर से इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दी। अब इसके बाद इस लाइन्स को मैंने हटा दिया दोनों तरफ से, तो ये हमारी जो 80 डिग्री पे लाइंस आई हैं तो ये हमारे UDL के लिए आई हैं कि लोड को बियर कर सके। अब इसके बाद जिविट का डायामीटर हमें कितना दिया गया है, कितना आया है, 18 mm। तो इस सेंटर से, सेंटर से 9 mm राइट में, 9 mm लेफ्ट पे, दोनों जिविट से 9 mm राइट, 9 mm लेफ्ट। अब क्या करना है, अब हमें यहीं से इस तरह से रेफरेंस लेते हुए लाइंस को ड्रा कर देना है। इस तरह से हमें लाइंस को ड्रा कर देना है। तो ये हमारा रिविट का डाया सहित सेंटर मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर हेड लगाना है। तो अब इसके बाद हेड लगाना है, तो हमें हेड की लंबाई कितनी दी गई है, हेड की लंबाई हमें 28.8 mm दी गई है। तो 14.4 mm हमारी आधी लंबाई आ जाएगी, आधी लेफ्ट में आधी राइट पे। इस तरह से मैंने लगा दी ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर भी नीचे भी, दूसरी में भी ऊपर नीचे हमने क्या किया, लंबाई के लिए इस तरह से पॉइंट्स ले लिए। पॉइंट्स लेने के बाद अब हमें हेड की हाइट कितनी दी गई है, तो हेड की हाइट हमें जो दी गई है तो वो 12.6 mm दी गई है। तो मैंने क्या किया कि 12.6 की हाइट ले ली, कहाँ से, अपर प्लेट के सेंटर पॉइंट से, इस तरह से यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस तरह से मैंने हेड की हाइट ले ली। नीचे भी इसी तरह से मैंने 12.6 mm पे मेजरमेंट करके हाइट ले ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हमें
ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से इस लेंथ की दूरी हमने ली, लेंथ की दूरी ली, और ये जो हमारा हाइट आया है, तो हाइट के लिए हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से आर्क लगा दिए, इधर से भी आर्क लगा दिया, और इस पॉइंट से भी आर्क लगा दिया इस तरह से। तो अब हमें कितने पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ पर, एक, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, आर्क लगाना है, हेड बनाना है इसका। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, प्रकार की नोक रखी, इस पॉइंट पे मैंने प्रकार की नोक रखी, और इस तरह से हेड बना दिया। इस तरह से अब इसके बाद मैंने क्या किया कि इधर भी इस तरह से, इस तरह से मैंने रिवेट का हेड्स बना दिया। तो अब जब हेड हमारे बन चुके हैं, तो अब इस पर हमें क्या करना है, सेक्शनिंग करनी है। तो सेक्शनिंग करने के लिए इस तरह से 45 डिग्री पे हमने चांदे से सेट कर लिया। अब इसके बाद लाइन्स ड्रा कर दी, इन लाइन्स का गैप 1 से 2 mm या 3 mm तक आप कर सकते हो, और ये सेक्शनिंग ज़्यादा डार्क नहीं होगी। सेक्शनिंग क्यों की जाती है, सेक्शनिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये किसी प्लेट से कटा हुआ पार्ट्स है, तो इसलिए हमें सेक्शनिंग करके दिखाना होता है। इस तरह से हमने क्या किया, सेक्शनिंग कर दी अपर प्लेट की, कवर प्लेट की। अब हम मेन प्लेट की सेक्शनिंग करेंगे। अब हम मेन प्लेट की सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, मेन प्लेट की सेक्शनिंग कर दी। अब हमें क्या करना है कि पैरामीटर्स का मेजरमेंट करना है। तो अब डायमेंशन शो कर देते हैं, अब डायमेंशन शो कर देते हैं इस तरह से। अब डायमेंशन को शो कर देते हैं। तो अब जब हम डायमेंशन को शो करेंगे, तो अब यहाँ से मैंने क्या किया कि एक लाइन इस तरह से पूरी ड्रा कर ली इस तरह से। तो अब इसके बाद यहाँ से मुझे पता है, इस तरह से मैंने क्या किया कि सेक्शनिंग
कर दी। अब इसके बाद ये हमारा क्या है मार्जिन एम इक्वल टू 1.5D, ये हमारा क्या है PCR इक्वल टू 3D और ये हमारा क्या है एम इक्वल टू 1.5D और यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल है 80 डिग्री, ये एंगल भी हमारा 80 डिग्री। अब इसके बाद हमने क्या किया कि प्लेट का भी मेजरमेंट हमें करना है, डाइमेंशनिंग करनी है, तो यहाँ से भी हमने इन लाइंस को इंक्रीज किया और इस तरह से एक लाइन खींची। ये हमारी क्या है TC है, ये हमारी T है थिकनेस। तो अब इसके बाद यहाँ तक हमारी क्या डिस्टेंस है हाइट है h = h है। फिर इसके बाद मैंने मेजरमेंट किया लेंथ की डायमेंशन हमें दिखानी है, हेड की लेंथ कितनी होती है, तो ये हमारी लेंथ है क्या L, ये हमारी लेंथ L हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि मेन प्लेट है, ये हमारी मेन प्लेट, मेन प्लेट नंबर 1 और यहाँ से ये हमारी मेन प्लेट 2, ये हमारी कवर प्लेट, ये हमारी कवर प्लेट है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनसे प्रोजेक्शन हमें लेना है, तो मैंने क्या किया कि कुछ इस तरह से एक रेफरेंस लाइन ड्रा कर लिया, इस तरह से ड्रा करने के बाद यहाँ से प्रोजेक्शंस लेना हमने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, इस तरह से हमने इनका भी ले लिया और ये जो हमारी सेंटर लाइन है इसका भी प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर इस लाइंस का भी हमने क्या किया प्रोजेक्शन को इंक्रीज कर लिया। अब इसके बाद इस पॉइंट पे आए तो यहाँ से भी लाइंस हमारी आ जाएंगी, तो ये हमारी प्रोजेक्शंस की लाइंस आ गई। तो अब प्रोजेक्शंस की लाइंस आ गई तो जब ये आपका फ्रंट व्यू बन चुका है, ये आपका फ्रंट व्यू बन चुका है, अब हमें क्या बनाना है टॉप व्यू बनाना है। तो जब अब हमें टॉप व्यू बनाना है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हमें करना क्या है, टॉप व्यू बनाने के लिए हमें जब टॉप से देखेंगे तो हमें कवर प्लेट दिखाई देगी, टॉप से देखने पे हमें कवर प्लेट दिखाई देगी, तो कवर प्लेट पे ये सर्कल, ये हेड रिवेट का, ये रिवेट हमें दिखाई देगा और ये चैन टाइप पे हम बात कर रहे हैं, तो चैन टाइप पे बात कर रहे हैं, सिंगल रिवेट है तो हमने बैक पीस का यूज नहीं, बैक पीस शो करा दिए लेकिन इस पर यूज नहीं किया अभी हमने बैक पीस का, तो जब डबल एक रिवेट के बाद फिर जब दूसरा रिवेट आएगा तब हम बैक पीस का यूज करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद जब हम टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पे हमें क्या दिखाई देगा, ये पूरी प्लेट हमें दिखाई देगी, ये पूरी प्लेट हमें दिखाई देगी। तो इसकी थिकनेस कितनी है हमारी, इसकी थिकनेस हमारी कितनी है और ये भाग भी दिखाई देगा, ये पार्ट्स भी हमें दिखाई देगा। तो जब ये पार्ट्स हमें दिखाई देगा तो मैंने क्या किया कि एक लाइन यहाँ से इसकी थिकनेस कितनी है 9 mm, तो 9 mm पे मैंने क्या किया इस तरह से एक लाइन्स आउट ड्रा कर दी, इस तरह से ये हमारी x की रेफरेंस लाइन हो गई और 9 mm पे हमने एक लाइन्स आउट ड्रा कर दी। तो अब इसके बाद ये जो 9 mm की लाइन है
तो अब इसके बाद हमने क्या किया कि एक लाइन्स हमें और ड्रा करनी है, वो कितने पे 11 mm की हमें थिकनेस है, किसकी है थिकनेस, ये हमारी थिकनेस है हमारी कवर प्लेट की थिकनेस। इस तरह से 11 mm की हमने एक लाइन्स और शो करा दी, तो वो कितनी दिखाई देगी, बस इतने भाग में हमें दिखाई देगी। तो बाकी को हम क्या करेंगे, इधर से रफ कर देंगे इस तरह से। इस तरह से अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन्हीं लाइंस को और इंक्रीज कर लेना है, क्योंकि अब हमें इस पे रिविट्स बनाने हैं। यहाँ तक हमने कर लिया, अब हमें पहला रिविट्स लेना है। तो जब पहला रिविट्स लेना है तो यहाँ से मार्जिन कितना ड्रॉप करते हैं, एम इक्वल टू 1.5D, तो 27 mm यहाँ पे हमने मार्जिन कितना लिया, 27 mm, 27 mm इधर से, 27 mm इधर से। अब इसके बाद पी इक्वल टू कितना लेते हैं, 3D कितना आया है हमारा, 54 mm, इस पॉइंट से ही 54 mm इधर। इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल गए, तो अब हमें क्या बनाने के लिए, आप और भी बना सकते हो, तो हम सिर्फ दो बना के देख बनाते हैं केवल, बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली इस तरह से मैंने। अब इस सेंटर पे आए, इस तरह से एक सर्कल बना दिया, और इसी तरह से ये मैंने दूसरा सर्कल, बना दिया सेम। ये हमने सर्कल जो बनाया है, लेंथ हमारी कितनी थी, हेड की लेंथ कितनी थी, 28.8 mm, तो उसी का रेडियस लेके हम ये सर्कल्स ड्रा कर रहे हैं। इस तरह से बन गए हमारे सर्कल्स। अब इसके बाद हमें पैक करना है यहीं से, तो पैक करना है तो यहाँ से हम कितना लेंगे मार्जिन, कितना 27 mm। अब 27 mm लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इतने भाग को इधर पैक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमारी थिकनेस कितनी है, 9 mm, तो यहाँ से हम 9 mm मेजर करेंगे, 9 mm, और यहाँ से इस तरह से हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे। तो इससे हमारा क्या है कि ये टॉप व्यू हमारा लगभग फाइनल हो गया है। अब हमें इसमें रिविट का डाये के सर्कल को हमें शो कराना है बस, और बाकी हमारा टॉप व्यू बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, तो अब रिविट का डाया कितना है हमें दिया गया है, 18 mm, तो रेडियस कितनी आएगी, 9 mm। तो इस तरह से हम, ये तो सर्कल रिविट का हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये इसको हम हिडन कर देंगे, इस तरह से हिडन कर देंगे। इस तरह से इस सर्कल को हम हिडन शो करा देंगे।
इस तरह से हमने इस सर्कल को भी हिडन शो करा दिया। तो जब अब हमने हिडन शो करा दिया है तो अब इसमें हमें क्या करना है कि मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट के लिए यहाँ से यहाँ और यहाँ तक, तो मैंने क्या किया कि इसी से एक लाइन पूरी ड्रा कर ली इस तरह से। तो अब यहाँ से यहाँ तक यम इक्वल टू कितना है 1.5D, यहाँ से यहाँ तक पी इक्वल टू 3D, यहाँ से यहाँ तक पी इक्वल टू यम इक्वल टू 1.5D। ये हमारा था क्या सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, क्या था सिंगल रिवेटेड। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये हमारा टैप व्यू हो गया, ये हमारा टैप व्यू हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि एक बार क्लियरिफाई कर लेना है कि ठीक है कि नहीं, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं आई है। तो देखिए आप हमने क्या किया कि सबसे पहले ये रिवेट्स बनाया, तो सबसे पहले हमें क्या है एक प्लेट ली, दो प्लेट्स हमने ली। तो ये दो प्लेट्स कितनी भी लंबाई की हो सकती हैं, दोनों प्लेटों को हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए हमने क्या किया कि एक अलग से प्लेट लगाई, तो ये प्लेट हमारी कवर प्लेट का काम कर रही। तो जब इसमें रिवेट इधर इधर लग जाएगा, कुछ मार्जिन इधर से कुछ मार्जिन इधर से, और ये जो प्लेट का सेंटर आ रहा है जहाँ से दोनों प्लेट्स ज्वाइंट हो रही, तो यहाँ से भी मार्जिन हमें देना होगा क्योंकि आराम से प्लेट्स स्टेबल हो सके। तो ये था हमारा सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट।